इस बार दीपावली के त्योहार के लिए जिला मंडी की तहसील कोटली के तहत आने वाले चिलो साइगलू क्षेत्र के वैदिक संस्था के वितरक के पास गाय के गोबर से बने दिए उपलब्ध हैं और ये दिए पर्यावरण के लिए काफी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि वैदिक संस्था ने देसी गाय के गोबर से निर्मित अन्य कई उत्पाद तैयार किए हैं। वैदिक संस्था ने वैदिक प्लास्टर, वैदिक कलर, वैदिक धूप, हवन कुंड और वेस्ट पेपर से बनी पेंसिल कैलेंडर तैयार की है, जो कि आजकल प्रधानमंत्री के कहे अनुसार आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक पहल है। ये सब उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। आपको बता दें कि वैदिक संस्था ने गाय के गोबर से दीपक तैयार किए हैं। दिए को तैयार करने के लिए सबसे पहले गोबर को सुखाकर उसका बारीक पाउडर बनाया जाता है, फिर प्रीमिश मिलाकर सांचों से इन्हें अलग अलग आकार दिया जाता है और फिर सुखाकर प्राकृतिक कलर लगाकर तैयार किया जाता है। वहीं इस दिवाली के विशेष पर्व पर वैदिक संस्था द्वारा तैयार किए गए ये दिए देखने में सुंदर और आकर्षक हैं। आगामी 14 नवंबर को दीपावली का त्योहार है। इस दौरान घर की सजावट के साथ साथ इस सबसे खास कर दिए की खरीदार कर रहे हैं। ये खरीदार स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदना चाहते हैं। ऐसे में वैदिक संस्था ने गाय के गोबर से दिए सहित अन्य उत्पाद तैयार कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त करण सिंह गनोट, भाई रविश जी है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप अपने घरों में गौ में दीपक अवश्य जलाएं, जिससे वातावरण भी सुधरेगा और गौ में की सेवा होगी। इसका हमने शुभारंभ हमारे आराध्य देव श्री देव भाद्र सिंह के मंदिर पे कर दिया है, कल जिसका जागरण था, और इसको जल्दी ही हम मंडी बाजार में खरीद के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो हमारी सबसे अपील रहेगी कि इस दीपावली में जरूर गौ में दीपक जलाएं। जैसे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने संकल्प लिया है 11 करोड़ दिए हर घर एक दीपक करना चाहिए, उसी को हम साथ लेकर चले हुए हैं। जय गौ माता।